और रिपोर्ट आने के बाद ये जो जो मीडिया वाले हैं ना, इनको तो हम अच्छे से बताएंगे। अभी नाम नहीं लेंगे किसी का, बस आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं और मेरे चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं। कुछ मीडिया वालों को हमको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है। जब आप बमकेंगे तो जाहिर सी बात है, आप अगर मुंह से बमकेंगे तो हम हाथ से बमकेंगे। सो की सीधी बात, मतलब मार देंगे। हाँ, चप्पल से उल्टा बोलेगा, जब कोई उल्टा बोलेगा तो जूता से, हाँ लाठी से, हाँ किसी भी, जो भी, हाँ जो भी हाथ में मिलेगा उससे मार देंगे। लेकिन जब गोरखपुरिया भौजी कहती है हमारे पास जो आएगा हम उससे आईडी मांगेंगे, पत्रकारिता का आईडी मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, तो आपने क्यों नहीं मांगा? अब आप खुद ही चालू किए हैं, मांगना चाहिए। आप खुद चालू कर लिए, फिर उसमें बोलना चाहिए हमें पहले आईडी दिखाइए। झगड़ा कर रही है। हम बता दें आपसे, लड़ाकू विमान से कम नहीं है, लड़ाकू विमान से कम नहीं है। इनसे भाई लड़ना हमें तो डर लगता है। देखिए पीछे हमारे बोले चली जा रही है, कौन कौन बताइए, कुछ भी लगा सकती है। कभी आईडी मांगती है, कभी मांगती है हमें आधार कार्ड दिखाइए, कभी जन्म प्रमाण पत्र मांगेगी, कभी मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेगी, का हम दिखाएंगे। अरे बोलना हम आपकी मर्जी है, आपके मुंह में थोड़ी डाल रहे हैं। हम बोलेंगे भाभी नमस्ते, आपसे हम बात करना चाहते हैं। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम खलीलाबाद में और हमारे पास मौजूद हैं राधा राज और चंदा भाभी, यहाँ पे आई हुई हैं। आप झगड़ा करेंगे इसे तो हम अश्लील वीडियो बनाएंगे? नहीं, आप बनाते फिर बुरा, हम गलत नहीं थे, हमें कोई गलत करके क्या तो फिर तो उसी चीज का तो जवाब दिया गया। सही है ना, उसी चीज का तो जवाब दिया गया था कि हम अश्लील, सब मीडिया वालों को क्यों कह रहे, अश्लील वीडियो जो बनाते क्यों नहीं कहेंगे? क्यों दुश्मनी है कुछ हम लोगों से? नहीं, गोरखपुरी भौजी आईडी मांगती है और आप बोलते हैं जूता चप्पल से मारेंगे, मीडिया वाले जूता चप्पल से आप लोग मारेंगे। जब ऐसा काम करेंगे तो खाएंगे सबको, सब नहीं जो करेंगे वही बात बोलेंगे। सब वालों का बोले मीडिया वालों का मतलब क्या हुआ? और मीडिया वाले सुनो हम बताएं, अब जैसे YouTube में बोला जाता है, अब YouTube में आप बोल रहे हैं कि एक असलील वीडियो बना रहे हैं उसमें सब पिसा रहे हैं, ठीक है, तो गेहूं के साथ घून पिसाता है। अगर एक मीडिया वाला कर रहा है तो सारे मीडिया वाले पिसाएंगे। यानी आपके साथ हम चंदा भौजी भी लपेट दें, उसी पीस दें। लपेटा जा रहा है, एक मिनट क्यों नहीं लपेट, तो नहीं लपेट, एक मिनट लपेटा जा रहा है। मालती चौहान जब तो असलील वीडियो मालती चौहान के मरने के बाद क्यों आया? पहले लाए होते आप बताइए, अगर मालती चौहान आटम हो रहा है और आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू, किसी ने अगर ऐसे सवाल वहाँ पे किया तो बिल्कुल गलत किया, निंदनीय है, हम उसको बिल्कुल हम खंडित करते हैं। लेकिन कल एक बिहार का वो लड़का, क्या नाम उसका, समीर चौधरी, गोरखपुरिया भौजी से बात करता है, वीडियो डाला है, उसमें बोला कोई मर्दी नहीं है। गोरखपुरिया भौजी सीधे बोलती है कि भाभी सुनिए, गोरखपुरिया भौजी उस भाभी बोली उसमें कि मालती जो अभी वो दुनिया में मालती चौहान नहीं है, लेकिन उनके बारे में गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं, को बच्चे को पिला रही हैं अपना ब्लाउज खोल के, ऐसा क्या बोलने की जरूरत है गोरखपुरिया भौजी को? तो मैटर तो उन्हीं से उठा है ना, तो सच्चाई तो दी जाएगी ना। आप दूसरे नाम जो चीज कर रहा है, लो अब जो चीज मैं नहीं करूंगी आप सीधे आप बताऊंगी ना। आप बोली हम नहीं किए हैं भाई, नहीं, अगर दिखाइए हमारे चैनल पे, आप दिखाइए अगर कोई हमारी असली वीडियो दिखाइए, अगर मतलब कुछ नहीं समझ आता ही ना। एक मिनट, आप या भौजी ऐसे बोली हमने सुना देखा, एक मिनट पहले बात सुनिए, अगर देखे हैं आप, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं ठीक, कैमरा वहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे पे होना चाहिए। अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरे पे होना चाहिए। अगर गोरखपुरिया भौजी टारगेट पे थी तो उनके पे फोकस होना चाहिए, राधा पे नहीं होना चाहिए ठीक। तो नाम लेके कहना चाहिए गोरखपुरिया भौजी को, अच्छा इनको टारगेट किया। हाँ, टारगेट गोरखपुरिया भौजी को सब लोग बना रहे थे। और कौन टारगेट कर रहा था? अरे वही जो बोल रहा था, बहुत भाषण दे रहा था जिससे हाथापाई हुआ था यहाँ अंदर हॉस्पिटल में। हाँ, तो कहने का मतलब अगर टारगेट किसी और को बना रहे हैं ठीक, तो उनके पे कैमरा करिए ठीक है। हर कोई पांचों उंगली किसी का बराबर नहीं है, सोच अपनी अपनी होती है। अगर गोरखपुरिया भौजी का टारगेट आप कर रहे हैं तो कैमरा उस पर फोकस करिए, मेरे पे नहीं करेंगे। चलिए अच्छा ठीक है, गोरखपुरिया भौजी कहती है हमारे पास जो आएगा हम उससे आईडी मांगेंगे, पत्रकारिता का आईडी मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, तो आपने क्यों नहीं मांगा? अब आप खुद ही चालू किए हैं, मांगना चाहिए। आप खुद चालू कर लिए, फिर उसमें बोलना चाहिए हमें पहले आईडी दिखाइए। देखिए ये आप लोगों की मर्जी है, हम आपसे दबाव नहीं दे सकते, ना तो आपके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं कि भैया आप हमें इंटरव्यू दीजिए। अगर आप प्रेम से बोलेंगे तो हम आपसे बोलेंगे। अगर आप लेकिन एक बार बता दें, हम नेता मंत्री विधायक और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी ऐसे किसी रियर केस में हम लोगों से मांगते हैं कि आईडी अपना दिखाइए, जहाँ पे कोई मंत्री विधायक आया होता है, जहाँ उनको डर होता है। लेकिन इस तरीके से आप आईडी मांगती हैं, ऐसा लगता है आप लोग प्रधानमंत्री बन गई हैं, मोदी का कोई अस्तित्व नहीं, मंत्री नेतागिरी इसमें नहीं होता है ठीक है। पहली बात देखिए, लेडीज को डर है ठीक है, जब मीडिया वाले ही सारा कांड करा रहे हैं तो कल को मीडिया वाले घर में घुस के मार भी सकते हैं। आप सीधे बोलिए हम इंटरव्यू किसी को देंगे ही नहीं, हमारी सुनिए, उस दिन जिस तरीके से वहाँ पे व्यवहार उसको जानते हैं, हम उसी देंगे नहीं, जान व्यक्ति को हमारे पास आने की जरूरत नहीं। हमारी बात सुनिए, आईडी कार्ड ऐसे आदमी क्यों अपने पास आने दे जिसको हम जानते नहीं। बात भी तो सुन लीजिए, कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप मीडिया वाले बन के आए, घर में घुस गए, मार के चले गए, तो किस पे जवाब आएगा? आप घुसने मत दीजिए,
अब वही बात कर रहे हैं, अभी नहीं घुसने देंगे तो आप अभी क्या बोले कि अपने आप को बड़ा यूट्यूबर बन रही हैं? अभी आप भी तो बोल रहे हैं ये आईडी वाली बात आई तब हमने कहा, जब आईडी वाली बात आई तब हमने कहा, तो वही बात आता है, वही बात आता है, तब भी वही बात आता है कि अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझ रही है, ये समझ रही है, इंटरव्यू नहीं दे रही है, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, तभी भी यही बात आती है। सबको कहना अच्छी बात है सब, देखिए भाई गेहूं के साथ घुन पिसाता है, कैसे कह रही हैं? अरे अब गेहूं भून और इंसान को बराबर कह रही हैं, पांच उंगली आपका बराबर है, कभी किसी आपको आपका विरोध किया है आप लोग बारे में कुछ गाली दिया गया, अब कल गाली दिया गया, सुनिए हमारी बात सुनिए, कल गाली दिया गया है पे इनको गाली दिया जा रहा था, तो अगर जिनसे तो उनको पूछना चाहिए था ना कि मतलब आप किस मैटर पे उनको उल्टा सीधा बोल रही हैं, क्या बात है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पूछना, बस कौन गाली दिया, छिनरी बुजरी आपको कौन गाली के ऊपर, आपको कौन गाली दिया, हमें गाली उसका नाम क्या ले यार, उसका नाम लेने में मुझे वो खुद ही मालती को गाली दी थी, हम खुद गाना सुने हैं उनका, वो कोई सिंगर है लेडीज है, फोटो दे देंगे आप लगा दीजिएगा, पर उसका मैं नाम नहीं लूंगी, वो जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके उनका नंबर आपके पास, आप उनसे शिकायत करिए, हमसे क्यों कर रही हैं, क्यों शिकायत, दुनिया से शिकायत करेंगे हम, हमने थोड़ी किया है, आपने नहीं किया, आप भी एक इंटरव्यू वाले हैं, आप भी कर सकते हैं, कहीं आपके पास आते जाते हैं, सब कुछ आपके बारे में पता है पीजी न्यूज के, तो आप उनसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे पत्रकार ना, वो उन जैसे पत्रकार है ना, उन जैसे पत्रकारों पर देखिए ये ये देखिए देखिए हमारे चैनल पर आप इस तरीके नहीं बोल सकते, हम इसको काट देंगे इतना, ठीक है, काहे काट देंगे, क्यों 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 भैया, और कोई काटता नहीं, आप काहे काट देंगे, काहे काट देंगे, हमने गाली दिया, आप अपने चैनल पे इस तरह गाली देते, मैंने गाली दिया क्या, काट देंगे किसी के मुंह पे थूकने के बाद, हां उसने गाली दिया, वो बंदा कुछ बोला है, वो पत्रकार है, तो देखिए हमारे चैनल की बात है ना, आपके चैनल अगर अगर आपके आपके बारे में कोई बुरा कहेगा हमारे चैनल पर, हम उसको भी काट देंगे, जी बिल्कुल, ये काट देंगे, हमारा कर्तव्य किसी गलत हम क्यों दिखाएं, किसी जो अगला गलत नहीं था हम क्यों, देखिए ये आपके बड़प्पन है, पहली बात मेरी बात सुनिए ध्यान से, ज्वाले पे वो भला बुरा हमको बहुत सारा की, और मालती चौहान जब चली गई थी अर्जुन के साथ दो तीन दिन के लिए, इतनी गंदी वो लड़की गाना गाई है, इतना गंदी गाना गाई है, इनार छिनार दूसर भतार पता नहीं कैसे कैसे, न्यूज वाले एक शब्द उनसे नहीं पूछा, वही मुझे उल्टा सीधा गाली दिया जा रहा, मेरे हस्बैंड को गाली दिया जा रहा, क्या एक बार आप सवाल नहीं कर सकते हैं, आप बताइए हमसे, देखिए आपको गाली दिए हैं, आप सवाल उनसे करिए, आप उनकी शिकायत करिए, जहां भी करना हो करिए, हमसे जब वो मिलेंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे, अगर आपकी शिकायत है भाई हमारे साथ काम करते हैं, हम उनसे पूछ लेंगे आपने ऐसा क्यों किया, उनका शिकायत है, लेकिन अगर हमारे चैनल पर आप कोई गाली किसी देती हैं, चाहे आप हो चाहे राधा जी हो, अगर हम तो उसको काट देंगे भाई, हम क्यों सवाल किसी के गलत चीजों को हम क्यों दिखाएं, किसी आप भी हमारे हैं, ये भी हमारे, वो भी हमारे, अगर आपके विषय में कोई गलत बोलता है तो हम सीधे नहीं दिखाएंगे उसको, क्योंकि हम जानते हैं आप गलत है नहीं, तो हम क्यों आपके बारे में गलत बोले, पहले हमारी एक बात के सवाल, आप न्यूज वाले हैं तो हमसे सवाल, हमसे सवाल करेंगे तो मेरा जवाब भी तो आप देंगे कि नहीं, आप भी बोल दिए बिना आईडी नहीं देंगे, मैं जितना पहले पूछ रही हूँ, आईडी वाली बात पहले पीछे है, देखिए अभी इस जगह पर हम आए, आपसे हम बात करते हैं, इधर चलिए भैया, अभी ऐसी जगह पर हम आए हुए हैं, लड़ना ठीक नहीं है, ये लोग हमेशा लड़ने पे लड़ाकू विमान की तरह तैयार हो जाती हैं, लड़ने के लिए भाई कौन लड़े महिलाओं से, डर लगता है यार, कहीं ऐसे भी फंसा सकती हैं, किसी विवाद में डलवा सकती हैं, जेल में ऐसे आरोप लगा सकती हैं, ये हम बता दें, हमें कसम से बता, देखिए झगड़ा कर रही हैं, हम बता दें आपसे, लड़ाकू विमान से कम नहीं है, लड़ाकू विमान से कम नहीं है, इनसे भाई लड़ना हमें तो डर लगता है, देखिए पीछे हमारे बोले चली जा रही है, कौन कौन बताइए, कुछ भी लगा सकती है, कभी आईडी मांगती है, कभी मांगती है, हमें आधार कार्ड दिखाइए, कभी जन्म प्रमाण पत्र मांगेगी, कभी मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेगी, कहाँ हम दिखाएंगे, अरे बोलना हम आपकी मर्जी है, आपके मुंह में थोड़ी डाल रहे हैं, हम बोलेंगे भाभी नमस्ते, आपसे हम बात करना चाहते, अगर भाभी चाहे तो हमें दे सकती है, भाभी अगर भाभी ना चाहे तो हमें ना दे, हमसे क्या लेना देना है, अगर आप देंगे तो हम लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे, नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो देख बताइए, हम गलत है, ये लोग गलत है, धन्यवाद।